सौम्या टंडन एक भारतीय अभिनेत्री और शो होस्टर हैं, जो मुख्य रूप से टीवी सीरियल भाभी जी घर पे हैं में अनीता भाभी के किरदार के लिए लोकप्रिय हैं। दोस्तों, यह टीवी सीरियल के अलावा कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं और कई रियलिटी शो को भी होस्ट कर चुकी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इनके ही जीवन के बारे में बात करेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो सौम्या टंडन का जन्म 3 नवंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले में हुआ था। इनके पिता का नाम बीजी टंडन है, जो एक पेशे से अध्यापक और लेखक हैं। इनके परिवार में इनके माता पिता के अलावा इनकी एक बड़ी बहन भी है। यदि बात करते हैं इनके एजुकेशन की, तो सौम्या टंडन ने अपनी स्कूलिंग सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल उज्जैन से पूरी की। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट न्यू दिल्ली चली गई, जहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन और MBA की डिग्री हासिल की। सौम्या छोटी सी उम्र में ही मॉडलिंग करना शुरू कर दी थी, इसलिए ये अपना करियर अभिनय में बनाना चाहती थी। अब बात करते हैं यदि इनके करियर की, तो सौम्या टंडन ने अपनी करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। लेकिन सौम्या को बचपन से ही मॉडलिंग में बहुत रुचि थी और सौम्या टंडन ने साल 2006 में फेमिना कवर गर्ल प्रतियोगिता में भाग लिया और यहाँ पर यह फर्स्ट विजेता बनी और यहीं से इनके करियर की शुरुआत हुई। सौम्या टंडन ने साल 2006 में सोनी पर प्रसारित होने वाला एक लोकप्रिय टीवी सीरियल ऐसा देश है मेरा में रष्टि देओल का किरदार निभाया और यह सीरियल इनका पहला सीरियल था और लोगों ने इनके अभिनय को बहुत ही पसंद किया और यह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनती गईं। टीवी धारावाहिक में सफल होने के बाद सौम्या टंडन फिल्मी दुनिया में आगे बढ़ने लगी और साल 2007 में ढिल्लन मेहता सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म जब वी मेट में यह रूप ढिल्लन के किरदार में नजर आई। इसके बाद सौम्या टंडन बहुत से रियलिटी शो को होस्ट करते हुए दिखाई दी। बात करते हैं कि इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि किस रोल से मिली, तो साल 2015 में सोनी पर प्रसारित होने वाला एक हास्य धारावाहिक भाभी जी घर पर है में यह अनीता भाभी के किरदार से बहुत ही प्रसिद्ध हुई। अब बात कर लेते हैं इनके निजी जीवन के बारे में, तो सौम्या टंडन दिसंबर 2016 में अपने लवर सौरभ देवेंद्र सिंह के साथ शादी कर ली और ये दोनों शादी से लगभग 10 साल पहले से रिलेशनशिप में थे। सौरभ सिंह एक बैंकर और एंटरप्रेन्योर हैं और इस दंपत्ति की एक बेटी है, जिसका जन्म साल 2019 में हुआ था। तो दोस्तों, ये रही भाभी जी घर पर है में अनीता भाभी के किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सौम्या टंडन के जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।